नमस्कार, वेलकम माय ट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि किसी भी ट्रायंगल में या त्रिभुज में बने अनेक त्रिभुजों की गणना, उनकी संख्या कैसे पता करते हैं। तो यहाँ हम एक ऐसा मेथड बताएंगे जो आप बहुत ही आसानी से आप किसी भी त्रिभुज में बने हुए अनेक त्रिभुजों की गणना कर सकते हैं आसानी से। जो आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपी टेट सही, सुपर टेट सही, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें। करते हैं प्रारंभ। पहली इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ हमें ये पता करना है कि यहाँ त्रिभुज एक है या फिर अनेक है। तो या ये सिंपल इमेज है, यहाँ पर हम बेस मेथड आपको बता रहे हैं जिसका त्रिभुज का आधार आप देख रहे हैं, आधार ये है। तो यहाँ हमें क्या करना है, केवल इसमें एक अंकित कर देना है। एक ही त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मात्र एक त्रिभुज है ये, इसको हम आसानी से बता सकते हैं, देख के ही लिख सकते हैं एक त्रिभुज यहाँ पर है। अब हम चलते हैं दूसरी इमेज की तरफ, दूसरा त्रिभुज एक लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा उससे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका बेस है, जो आपका आधार है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज आपका ये बना हुआ है और दूसरा त्रिभुज आपका ये बना हुआ है, ऐसे हमें लिख देना है। अब क्या करना है, इसको कर लेना है काउंट, वन प्लस दो, ठीक है, वन प्लस दो कितना हो जाता है, तीन। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में मात्र तीन त्रिभुज बने हुए हैं। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ से हमने एक ले लिया त्रिभुज, एक पूरा त्रिभुज ही आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ से बीच में से एक इधर वाला आ जाएगा भाग वन वाला, और बीच में से एक आपका सेकंड वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तीन त्रिभुज हैं, आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसके हम चलते हैं नेक्स्ट इमेज तरफ, थोड़ा उससे डिफरेंट अलग है इमेज। यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज का जो बेस है, आप देख रहे हैं बेस के ऊपर आपकी दो रेखाएं खींची हुई है। हमें क्या करना है, यहाँ पे वही क्रम, यहाँ एक दो और यहाँ तीन, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, काउंट कर लेने हैं, एक दो और तीन, ठीक है, इसको हमें जोड़ देने हैं, ठीक है। तो वन और दो कितना हो जाएगा, तीन, और तीन कितना हो जाएगा, छह, छह। तो इस आकृति में जो त्रिभुज बने हैं वो आपके छह त्रिभुज बने हुए हैं। इस तरह से हम ये पता कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट इमेज है वो थोड़ा इससे अलग है, यहाँ देख लेंगे। इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, इसमें बेस है आपके दो, ठीक है, एक आपका नीचे बेस दिखाई पड़ रहा है आपके लिए, और वहीं त्रिभुज के मध्य में एक बेस है। आपको क्या करना है, पहले जो प्रथम वाला बेस है यहाँ नीचे, उसके ऊपर एक संख्या है, यहाँ लिखेंगे एक दो और तीन, इसको हम काउंट कर लेंगे, कैसे, वन प्लस दो प्लस तीन, ठीक है, कितने हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे एक दो तीन, तीन और तीन छः, कुल मिला के छः, छः त्रिभुज हो गए इसके। अब हम दूसरा जो बेस है आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां पर भी ऐसी करेंगे, एक दो तीन, ठीक है, तो यहाँ पर वन प्लस दो प्लस तीन, इसके लिए क्या करोगे, इसको भी काउंट कर लोगे, तो यहाँ पर भी छः आपके ही आ जाएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं दूसरा जो भाग है यहाँ पर भी छः त्रिभुज है, और जो प्रथम भाग है यहाँ पर भी छः त्रिभुज है। कुल मिला के दोनों जो फुल आकृति है इसमें आप देखेंगे छः प्लस छः, कुल मिला के बारह त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी भी आकृति का पता कर लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी इमेज जो है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये थोड़ी उससे अलग आकृति है बिल्कुल। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको क्या करना है, इसमें एक थोड़ा बेस आपका नीचे दिखाई पड़ेगा आपको, उसके अंदर थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा बेस, और फिर ये तीसरा वाला बेस। तो पहले सबसे नीचे वाला बेस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या लिख देनी है, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। तो अब हमें ये जोड़ लेनी है, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार और प्लस पांच, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का दो तीन, तीन तीन छः, छः चार दस, दस दस और पांच पंद्रह। ये जो नीचे वाला जो बेस है यहाँ हम देखेंगे तो ये हमारे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे पंद्रह त्रिभुज हो जाएंगे। अब हम सेकेंड बेस पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ इसके काउंट करेंगे तो वन प्लस दो तीन, तीन छः, इसमें छः त्रिभुज आ जाएंगे। अब इधर वाला जो बेस है आपका एक दिखाई पड़ रहा है आपको कोने पे, इसको एक और दो, ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, तीन, ठीक है। अब देख लो आप, पंद्रह ये है, तीन ये अठारह, और छः कितने, चौबीस। तो इस जो आकृति में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने जो त्रिभुज बने हुए हैं वो चौबीस त्रिभुज बने हुए हैं। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट आकृति लेते हैं आपके समक्ष, ये है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बेस कितने हैं हमारे, एक तो बेस आपका नीचे है, फिर उसके ऊपर है, फिर उसके चार बेस इसमें बने हुए हैं। पहले जो नीचे वाला बेस है उस पर काउंट करेंगे, एक दो तीन,
कुल मिला के इसमें यहाँ देखेंगे तो एक दो तीन तीन छह त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार सेकंड बेस के देखेंगे तो एक दो तीन यहाँ पे कितने हो जाएंगे छह, फिर यहाँ एक दो तीन यहाँ पर भी आपके छह, एक दो तीन यहाँ पर भी आपके छह, तो छह दूनी बारह, छह तीन अठारह, छह चौक चौबीस। इस आकृति में देखेंगे तो हम जो है हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, चौबीस त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस भाग में हम इतना ही बताएंगे, आगे नेक्स्ट आने वाले जो वीडियो में उसमें और तरीका बताएंगे।